हमीरपुर जिला में नशे का ग्राफ दिनोंदिन बढ़ता जा रहा है और पूरे प्रदेश में चिट्टा के कारोबार में हमीरपुर जिला तीसरे नंबर पर पहुंच गया है, जो कि चिंता का विषय बन गया है। ताजा मामले में हमीरपुर पुलिस ने चिट्टा तस्कर नाइजीरियन युवक को दिल्ली से पकड़ने में सफलता हासिल की है और साथ में आरोपी के घर से 5.5 लाख का चिट्टा भी बरामद किया गया है। बता दें कि उक्त नाइजीरियन व्यक्ति ही हमीरपुर में घातक नशा पहुंचा रहा था। वहीं गत 8 मार्च को अरेस्ट किए गए दो युवकों से मिली लीड के बाद पुलिस ने दिल्ली में दबिश दी। गत देर रात को पुलिस के हाथ कामयाबी हाथ लगी और पुलिस ने पहले ही इसे पकड़ने के लिए जाल बिछा दिया था। अब आरोपी को गिरफ्तार कर दिल्ली से हमीरपुर लाया गया है। नाइजीरियन व्यक्ति चुक्स कालिक्स निवासी संतगढ़ तिलक नगर नई दिल्ली को गिरफ्तार किया गया है। इसके घर से पुलिस को 90.5 ग्राम चिट्टा भी बरामद हुआ है। DSP हितेश लखनपाल ने बताया कि चिट्टा गिरोह को पकड़ने के लिए पुलिस की 6 सदस्यों की टीम गठित की गई थी। इसमें SHO भोरंज कुलवंत सिंह, ASI अजय सिंह, हेड कांस्टेबल अरुण व सतेंद्र, ASAU के हेड कांस्टेबल नरेश व सन्नी को शामिल किया गया था। इस टीम ने दिल्ली के में डेरा जमाया हुआ था और आरोपी के घर पर होने की सूचना मिलते ही रेड कर दी गई थी। बाद में आरोपी को चिट्टे सहित पकड़ा गया है। अब इसे कोर्ट में पेश किया गया है, जहां कोर्ट ने 3 दिन का पुलिस का रिमांड इसे दिया गया है। हमीरपुर पुलिस ने जो नशे के खिलाफ अभियान चलाया, उसमें बड़ी कामयाबी मिली है, जिसमें कि ओरेंज थाने के SHO कुलवंत के नेतृत्व में हमारी टीम गई। वहाँ पे चक कोलिंस नाम के नाइजीरियन है, 30 साल की उम्र है, इनको हमने अरेस्ट किया है और इनके पास से हमें 90 ग्राम जो है हीरोइन भी बरामद की गई है। और अभी तक जो है हमीरपुर पुलिस ने इस साल में जो है 27 केसेस जो है ले दिए हैं, जिसमें कि चरस जो है वो 2.25 किलो के आसपास, 90 हमारा जो 93 ग्राम जो है चिट्टा है जो हीरोइन है, और पॉपी हस्क जो है ये 11 किलो पॉपी हस्क। नशे के खिलाफ जो अभियान है हमीरपुर पुलिस का, ये जारी रहेगा। आगे भी हम इसमें और अच्छा करेंगे और हम चाहेंगे आपके माध्यम से कि लोगों को भी अपील करेंगे कि अगर कहीं स्कूल के आसपास कहीं और उनको ऐसा लगता है कि कहीं इस तरह की घटना हो रही है तो तुरंत हमें सूचना दें, हम कार्रवाई करेंगे। तो सर, ये जो आपने दिल्ली में पकड़ा, इसमें कितने सदस्य टीम थी सर बनाई हुई? हमारे थाने की इसमें 4 सदस्य टीम थी और पिछले हमने 2 दिन पहले ही एक और केस पकड़ा था भोरंज थाने में ही, उसी का जो है ये फॉरवर्ड लिंकेज था, कहाँ से बैकवर्ड लिंकेज था कि कहाँ से ये लोग चरस ये जो हीरोइन है लेके आ रहे हैं, तो उस पर हमारी टीम काम कर रही थी, जिसको सफलता हमें हासिल हुई है। इस तरह के नशे होते हैं, डिफरेंट केसेस हैं, डिफरेंट जगह से आ रहे हैं, पर जो ये इसमें नाइजीरियंस का इन्वॉल्वमेंट ज़्यादा है, जो हीरोइन है और जिसको चिट्टा कहते हैं, सड़क के माध्यम से भी ये कई बार बसों में आता होगा और पकड़े भी जा रहे हैं लोग, तो ये एग्जैक्ट कहना थोड़ा मुश्किल है कि कहाँ से ये आ रहा है, पर ये है इस बारे में कोई शक नहीं है कि हम लोग इस पर तत्परता से कार्रवाई करेंगे। जहाँ पर भी हमें इस तरह की कार्रवाई करने का मौका मिलेगा, हम जरूर जो है दोषी को छोड़ेंगे, कड़ी कार्रवाई करेंगे।